हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सिंह है और इस लेक्चर में हम लोग 11th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। 11th क्लास में ये चैप्टर है, पहला चैप्टर नहीं है लेकिन पहले इसको पढ़ाने का रीज़न ये है कि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं, तो थोड़ा समझना स्टार्टिंग में इजी रहेगा। ओके, चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले टॉपिक के अंदर इसका nth टर्म का फार्मूला, सम ऑफ फर्स्ट nth n टर्म्स का फार्मूला, अर्थमेटिक मीन, ये सब पढ़ना है। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक नई चीज़ आएगी तुम्हारे सामने, उसके बाद एक और नई चीज़ आएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले टॉपिक के अंदर भी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, उसके nth टर्म का फार्मूला, सम का फार्मूला, हार्मोनिक मीन के अंदर भी हम लोग इसके nth टर्म का फार्मूला पढ़ेंगे। फिर मीन्स जो हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जो हम लोग इन तीनों टॉपिक में डिस्कस करेंगे उनको आपस में एक बार और रिलेट किया जाएगा, और लास्ट में कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके समेशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा लेंथी चैप्टर है ना। तो डायरेक्टली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हमें सीक्वेंस, जो चैप्टर का नाम है, दो वर्ड तो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक है सीक्वेंस, दूसरा है सीरीज, और तीसरा एक और वर्ड आता है इसमें प्रोग्रेशन, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन तीनों टर्म्स को थोड़ा हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इनका डेफिनेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो एक बार समझ लेंगे हम लोग। तो अभी आज का ये वाला जो लेक्चर रहेगा इसमें तो हम लोग सिर्फ सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन की बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमारा चैप्टर रियली में स्टार्ट होगा। ओके, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहला, सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस का एक बहुत ही फॉर्मल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैंने लिखा है कि मैथ्स में सीक्वेंस का मतलब होता है कुछ ऑब्जेक्ट्स का, मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स में मोस्टली हम लोग नंबर्स की बात करते हैं, तो कुछ नंबर्स का एक लिस्ट, और लिस्ट भी कैसा, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड का मतलब ये कि उसमें पोजीशन फिक्स रहेगा। पहला, जैसे अगर मैं लिखूं 1, 3, 5, 7, 9, 11, मान लो मैंने ये 6 नंबर्स का एक लिस्ट लिखा, इसमें पहले पोजीशन पे मैंने 1 रखा है, दूसरे पोजीशन पे 3 रखा है, तीसरे पोजीशन पे 5 रखा है, चौथे पे 7 रखा है, पाँचवें पे 9 रखा है, और छठे पोजीशन पे 11 रखा है। तो ये पोजीशन फिक्स है इनका, ऑर्डर्ड बोलने का मतलब, पोजीशन फिक्स बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं ये पोजीशन चेंज कर दूं, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये पहली चीज़ और ये दूसरी चीज़, ये दोनों में अगर तुम देखो तो नंबर्स घुमा फिरा के वही लिखे हुए हैं, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो चेंज है। ऑर्डर चेंज होने की वजह से ये पहला और दूसरा जो सीक्वेंस है वो सेम नहीं माना जाएगा, ये दोनों अलग अलग सीक्वेंस हैं। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट बोलने का मतलब ये है कि ऑर्डर उसमें निर्धारित रहता है, फिक्स रहता है। ओके, अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि और एक तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ऑर्डर इसमें इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर मैटर करता है, दूसरी चीज़ ये है कि सेम एलिमेंट एक से ज़्यादा बार भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने लिखा ए ए बी सी डी डी ई, मान लो ये 7 ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, ऐसा एक ऑर्डर में लिख दिया मैंने। ओके, तो ये एक सीक्वेंस है। पहला टर्म अगर मैं इसका बोलूँगा, पहला टर्म क्या है तो तुम बोलोगे ए है, दूसरा टर्म क्या है वो भी ए है, तीसरा टर्म बी है, बोलोगे छठा टर्म क्या है डी है, सातवां टर्म क्या है ई है। ओके, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट है ए जो कि एक से ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है, एक एलिमेंट है डी वो भी एक से ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है, तो वो हो सकता है सीक्वेंस में
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट एक ही बार आए, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है सेट्स, तो सेट थ्योरी में जब हम सेट डिफाइन करते हैं, वो जब चैप्टर तुम्हें पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे ये वाली बात एक बार फिर से आएगी, तो वहाँ पर मैं फिर से सेट और सीक्वेंस में डिफरेंस बताऊँगा तुम्हें। सेट और सीक्वेंस में डिफरेंस यही है कि सेट भी एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, सीक्वेंस भी एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन सीक्वेंस में ऑर्डर निर्धारित होते हैं, ऑर्डर ऑर्डर फिक्स होते हैं, सेट में ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। दूसरी बात कि सेट में कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता है, जबकि सीक्वेंस में एक से ज़्यादा बार आ सकता है। ये सेट और सीक्वेंस का अंतर है जो कि मैं वहाँ पे लिखवा दूँगा सेट वाले चैप्टर में। ओके, तो अभी तक तो हमने देखा कि सेट जो है वो कलेक्शन या लिस्ट है ऑब्जेक्ट्स का, और उसमें ऑर्डर जो है वो निर्धारित होता है, ऑर्डर फिक्स रहता है, ऑर्डर चेंज करेंगे जो है सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा। और भी एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, मैंने आगे ये 3 4 ऐसे डॉट लगा दिए। ओके, तो इसका मतलब ये एक सीक्वेंस लिखा है, और कोई भी देख के ये बता सकता है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, सही है ना, नेचुरल नंबर्स है। अगर आगे ऐसे डॉट डॉट लिखा है, कुछ भी आगे नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में अगर मेंशन ना करे, तो हमें ये मान के चलना है कि इसमें कितने टर्म हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ठीक है, अगर मान लो एक दूसरा मैं एग्जांपल लूँ, मान लो मैंने लिखा 2 4 6 8 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स मान लो लिखे हैं, और यहाँ मैंने लिख दिया लास्ट में 50 टर्म्स, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि इस वाले सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50 हैं। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। ये जो सीक्वेंस का नंबर ऑफ टर्म होता है, इसको हम लोग लेंथ ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ सीक्वेंस। ये नोट्स आप बनाते जाइएगा, पॉज करके समझ के नोट्स बनाते जाइएगा, इसकी एक अलग कॉपी बना लीजिएगा। ओके, ये तो सीक्वेंस की बात हो गई। अगर इसका कुछ क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस दो तरीके का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, देखो फाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट हो, जिनको हम गिन सके, काउंट कर सके। जैसे अगर मैंने लिखा ऊपर जो मैंने लिखा था 2 4 6 8, इस तरीके के ऐसे 50 टर्म्स, तो ये जो है फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल है। ऊपर मैंने एक और एग्जांपल लिखा था 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट लगा दिया, आगे मैंने नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बोला नहीं, या मैंने ऐसे लिख दिया अप टू इनफिनाइट, इनफिनाइट टर्म्स, तो ये इनफिनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल है। ठीक है, वेरी सिंपल, नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल होंगे तो फाइनाइट सीक्वेंस, नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनाइट होंगे, काउंट नहीं कर सकते, तो वो इनफिनाइट सीक्वेंस। ओके, फेयर एनफ। दूसरी बात, ये बड़ी कोई मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बट फिर भी ऐसा लिखने के लिए, क्या बोला मैंने कि nth टर्म को किस तरीकों से डिनोट करते हैं, ये भी एक चीज़ देख लो, बहुत लोग इसमें कई बार कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, हालांकि 10th क्लास में ये तुम्हारा किया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म वगैरह लिखते थे, कई बार nth टर्म को कहीं कहीं बुक्स में an लिखा रहेगा, कई जगह पे तुम्हें tn दिखेगा, t कैपिटल या स्मॉल कैसा भी दिख सकता है, तो ये इसको डिनोट करने का nth टर्म को डिनोट करने का मेथड है। जैसे हम अर्थमेटिक में, अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में याद दिलाऊं तुम्हें, अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो nth टर्म हम लोग an ऐसे लिखते थे, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी, इस प्रकार से। ठीक है, 10th क्लास में ये हमने पढ़ा था, इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। ओके, nth टर्म को डिफाइन करना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, हालांकि ये डेफिनेशन वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा लिखने के लिए लिख दिया मैंने, एक फार्मूला है ना nth टर्म, जैसे ये लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो क्या एक फार्मूला है, फार्मूले का यूज करके हम लोग जो मर्जी चाहें वो वाला टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, सीक्वेंस के ऊपर। जैसे पहला है, बोल रहे हैं कि जो नीचे सीक्वेंस लिखे हैं, फॉलोइंग सीक्वेंस, उनके पहले 4 टर्म्स लिखो, 4 टर्म्स,
अब दो पार्ट हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले में ए एन बराबर 3 का पावर n अपॉन n, क्या लिखना है पहले चार्ट नंबर है, a1 a2 a3 और a4 ये लिखना है, ठीक है। उसके लिए ये हमारा, हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, इसी फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे। तो सोल्यूशन लिख लेता हूँ मैं फर्स्ट पार्ट का। a1 कैसे मिलेगा भाई, इसी फार्मूले में n की जगह पे 1 पुट हो जाएगा, 3 का पावर 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 3। a2 कैसे मिलेगा, 3 का पावर 2 अपॉन 2 ये हो जाएगा 9/2। a3 क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, मतलब ये 9 हो जाएगा। और a4 हो जाएगा 3 का पावर 4 अपॉन 4 माने 81/4। तो बस यही आंसर हो गया, ऐसे लिख दिया हमने 3, दूसरा टर्म 9/2 कॉमा तीसरा टर्म कितना था 9 था, चौथा टर्म था 81/4 ये हो गया। ओके सेकंड, सेकंड में a1, इसमें भी तो यही a1 a2 a3 और a4 पता करना है पहले चार टर्म। तो a1 के लिए मैंने n की जगह पे 1 रखा, सही है, 2 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 − 4, तो 2 × 3 = 5 और -4 कितना आ गया 1। a2 ये हो गया, ये हो गया 8, 6 = 14 और -4 हो गया 10। ऐसे a3 देख लो, a3 हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर + 3 × 3 − 4, n की जगह पे 3 रखा हमने, तो ये हो गया 18 + 9 − 4 = 27 − 4 कितना 23। और a4 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a4 हो जाएगा यहाँ से 16 × 32 और 12 हो गया 44 − 4 = 40, ठीक। दूसरा एग्जांपल, फिर से ये सीक्वेंस लिखा है a n = a n² + b n + c। अब इसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म गिवन है, हमसे पूछ रहे हैं भैया दसवां टर्म बताओ। तो दसवां टर्म तो कैसे मिलेगा मुझे, a10 जो फॉर्मूले में n की जगह पे 10 रखना पड़ेगा, तो 10² हो गया + b × 10 हो गया + c, मतलब 100a + 10b + c। अब ये तो तभी कैलकुलेट कर पाएंगे ना जब मुझे ए बी और सी ये तीनों का वैल्यू क्या हो बताओ। तो ये तीन वेरिएबल है मेरे पास, अभी तीन वेरिएबल, इनको सॉल्व करने के लिए फिर ये तीन कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि a1 कितना है, a2 कितना है और a3 कितना है। तो आ जाओ भाई, इनका यूज करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। a1 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, n की जगह पे 1 पुट करो यहाँ पे, यहाँ पे तो मिलेगा a + b + c और इसका वैल्यू कितना गिवन है 1, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। a2 बराबर देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 4a + 2b + c, n की जगह पे 2 रखा और a2 का वैल्यू कितना गिवन था 5, ये दूसरा इक्वेशन। और a3 बराबर फिर से यहाँ देखो, a3 बराबर ये फॉर्मूले में n की जगह पे 3 पुट करो तो मुझे मिलेगा 9a + 3b + c और a3 का क्वेश्चन में जो वैल्यू दें वो है 11। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, थ्री इक्वेशन, थ्री अननोन्स, सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली, क्या करें। चलो 2 − 1 कर लेता हूँ मैं, तो c एलिमिनेट हो जाएगा, मिलेगा मुझे 3a + b = 4, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 4। और मैं 3 − 2 कर लेता हूँ, फिर से c कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन 3rd − 2nd करो, 9 − 4 = 5a, 3 − 2 = b और 11 − 5 हो गया 6, इसको बोल दिया मैंने पांचवा। 4th और 5th इक्वेशन, ये बन गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। दसवीं क्लास में बहुत बार किया हुआ है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड कर देते हैं सीधा, माइनस कर देते हैं, तो माइनस किया 2, 3 − 5 हो गया -2, b − b = 0 और 4 − 6 हो गया -2, a का वैल्यू आ गया 1। a का वैल्यू पुट किया अगर 4th में तो b का वैल्यू भी आ गया देखो 1। और ये सब कुछ अगर मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया तो इक्वेशन 1 में a + b + c बराबर क्या दिया था 1,
तो ए अगर वन है, बी अगर वन है, तो सी का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा। ओके, ए बी और सी मिल चुका है, अब क्या करना था, काम अभी अधूरा है, मुझे करना था टेंथ टर्म बताना था। तो वो टेंथ टर्म मैंने लिखा था ऊपर देख लो, 100A + 10B + C, 100A + 10B + C, 100 × 1 + 10 × 1, ए और बी का वैल्यू 1 था, सी का वैल्यू माइनस वन था, तो 110 - 1 = 109, ये आंसर हो गया। आई होप सब समझ आ रहा है, मामला सब सेट हो रहा है आपका। ओके, कहीं कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर पूछ लेना उसको। ओके, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक सीक्वेंस डिफाइन हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन को। सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई A1 = A2 = 1, मतलब सीक्वेंस में पहले A1 का वैल्यू 1 और A2 का वैल्यू 1 बता दिया। A1 माने पहला टर्म, A2 माने दूसरा टर्म, दोनों 1-1 के बराबर है। आगे तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब टर्म बताने के लिए ये फार्मूला लिखा है कि An बराबर, क्या फार्मूला है मैं नीचे लिख लेता हूँ, An बराबर An-1 + An-2, और ये फार्मूला n ग्रेटर देन 2 के लिए यूज होगा। ग्रेटर देन 2 के लिए क्यों, क्योंकि अगर इसमें n बराबर 2 डाला जाए तो A2 मिलेगा, बट A2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2 से n का वैल्यू बड़ा रखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, क्या पूछा गया है, सॉल्यूशन की बात करें अगर, पूछा गया है टू फाइंड, एक बार मैं लिख लेता हूँ क्या पता करना है। कोई भी क्वेश्चन देखो सॉल्व करना है तुम्हें तो दो बातों पे फोकस करना चाहिए तुम्हें, एक तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और दूसरा क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्या पूछा गया है, चलो पहले उस पर फोकस करते हैं। एन बराबर 5 के लिए, फॉर एन बराबर 5, An+1 / An का वैल्यू पूछा गया है। तो ये 5 डालेंगे तो A6 / A5, इसका वैल्यू कितना आएगा, मतलब कुल मिला जुला के मेरे से पूछा गया सिक्स टर्म डिवाइडेड बाई क्या, फिफ्थ टर्म है कि नहीं, छठा टर्म बटे पांचवा टर्म पूछा गया। तो यार इसके लिए तो छठवां और पांचवा टर्म हमें बताना पड़ेगा, है कि नहीं, तो कैसे बताएंगे, ये जो फॉर्मूला गिवन है इसी से बताएंगे। तो छठा टर्म डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा, पहला दूसरा तो दिया हुआ है, फिर हमें तीसरा देखना पड़ेगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो थर्ड के लिए इस फॉर्मूले में मैं एन बराबर एक बार 3 रख लेता हूँ। तो एन बराबर अगर 3 रखा मैंने तो मुझे मिलेगा A3 बराबर, यहाँ पर 3 रखो तो A2 + और यहाँ भी 3 रखो तो आ जाएगा A1, है कि नहीं, A1 A2 दोनों ही 1 के बराबर था, तो आंसर जो है वो 2 आ गया। अब मैं एन बराबर 4 रख लेता हूँ तो मुझे मिलेगा A4, A4 बराबर मिलेगा A3 + A2, A3 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया वो 2 था, A2 क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आंसर 3 आ गया। अब एन बराबर 5 रख लेते हैं, मुझे मिलेगा A5, किसके बराबर, A4 + A3, कहाँ से आ रहा है ये A4 + A3, फॉर्मूले से। तो A4 अभी अभी कैलकुलेट किया 3, A3 पहले स्टेप में कैलकुलेट किया था 2, कितना हो गया 5। अब एन बराबर 6 और चाहिए, A6 बराबर हो जाएगा A5 + A4, A5 5 के बराबर है और A4 जो है 3 के बराबर है, तो आंसर 8 आ गया। बस अब तो सीधे आंसर लिख लेना है, आंसर में A6 / A5 पूछा था, A6 कितना है 8, A5 5, ये आंसर हो गया, बहुत इजी सिंपल था। अच्छा क्वेश्चन तो पूरा हो गया, बट इस क्वेश्चन में एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का एक नाम है, ये कहलाता है फिबोनैकी सीक्वेंस, में पहला टर्म 1 रहता है, दूसरा भी 1 रहता है, आगे जो तीसरा टर्म है हर एक टर्म पिछले 2 टर्म का सम के बराबर रहता है, तो इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगला पिछले 2 को जोड़ो तो 3 आ जाएगा, उसका अगला उसके पिछले 2 को जोड़ो तो 5 आ जाएगा, उसका नेक्स्ट उसके पिछले 2 को जोड़ो 8 आ जाएगा, उसका नेक्स्ट 13 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये तुम्हें खुद ट्राई करना है, होमवर्क है तुम्हारा ये। इसके अलावा तुम्हारा एक और होमवर्क है NCERT एक्सरसाइज नंबर
9.1 and its examples. ठीक है, एक तो वो होमवर्क है तुम्हारा और तीन क्वेश्चन यहाँ पर और लिखे हुए हैं. ओके, वीडियो पॉज करो, इनको नोट करो और फिर आ जाओ. अब आगे बढ़ते हैं. सीक्वेंस पढ़ लिया हमने, अब हमें देखना है कि सीरीज क्या होगा. तो सीरीज बहुत सिंपल है. अभी मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस लिखा है, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, मान लो एन टर्म्स हैं. ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, दिस इज अबाउट सीक्वेंस. अब अगर मैं एक एक्सप्रेशन ऐसा लिखूं, एक्सप्रेशन जिसमें इस सीक्वेंस के सारे टर्म को मैंने ऐड कर लिया, सही है, लास्ट तक, ये वाला जो एक्सप्रेशन है यही सीरीज कहलाता है. तो सीक्वेंस और सीरीज में ये बेसिक अंतर है. सीक्वेंस सम नहीं होता है, सीक्वेंस तो एक लिस्ट है ऑब्जेक्ट्स का या नंबर्स का. सीरीज जो है ये उन्हीं नंबर्स का क्या है, अगर कोई सीक्वेंस लिखा है तो सबको जोड़ दो, वो हमारा सीरीज बन गया. ओके, एग्जांपल देखें. अगर मान लो एक सीक्वेंस लिखा है मेरे पास, एक, तीन, दो, माइनस पाँच, छः, सात, आठ, 99, एक सीक्वेंस है. ओके, सीक्वेंस के डेफिनेशन में मैंने कहीं पर ये नहीं बोला है कि उनके जो टर्म्स हैं उनमें कोई पैटर्न फॉलो होना चाहिए. ओके, पैटर्न हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस फिर भी होगा वो. ओके, तो ये सीक्वेंस है. अब यहीं पे मैं अगर ऐसे लिखता, 1+3+2+-5+6+7+8+99, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कहलाता हमारा सीरीज. इतना सा अंतर है सीक्वेंस में और सीरीज में. और लास्ट चीज आज के लेक्चर की जो है, इस वाले लेक्चर की, वो है प्रोग्रेशन. तो प्रोग्रेशन क्या हो गया, कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा हो प्रोग्रेशन कहलाएगा. जैसे अभी ऊपर जो मैंने ये सीक्वेंस लिखा था, यहाँ पर ये वाले सीक्वेंस की अगर बात करें तो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये प्रोग्रेशन नहीं होगा, इसको हम लोग प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे. लेकिन जैसे मान लो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब टू मान लो मैंने लिखा है 100, तो क्लियरली ये दिख रहा है कि इसमें एक प्रोग्रेशन है. वो भी कैसा, ये 10th क्लास का पढ़ा हुआ है तुम्हारा, 10th क्लास में. क्या इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं? बिल्कुल, प्रोग्रेशन ये है, पैटर्न ये है कि भाई प्लस वन होते जा रहा है, और एक अगले टर्म में क्या होते जा रहा है, प्लस वन होते जा रहा है. तो जब भी कोई एक फिक्स सर्टन पैटर्न फॉलो होगा, कोई भी सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे. सही है, बस ये सीक्वेंस सीरीज और प्रोग्रेशन में डिफरेंस था. अगर मैं तुमसे एक छोटा सवाल पूछूं ट्रू फॉल्स का, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन, बताओ ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है? हर प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, लेकिन हर सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन नहीं है. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सही है, क्योंकि प्रोग्रेशन होगा तो सीक्वेंस ही होगा. वो भी कैसा सीक्वेंस है, पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा. ओके, क्लियर. तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में वी विल स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हारा 10th क्लास का पढ़ा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्किप करने वाली चीज़ है. 10th क्लास में जो जिस तरीके के क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स किए थे, उसे थोड़ा और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम यहाँ पर होंगे. ओके, फार्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा. एन टर्म्स का फार्मूला तो सेम ही रहेगा, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा. ओके, तो होमवर्क नोट कर लिया तुमने, ये कंप्लीट कर लेना. ओके.